देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। सुल्तानपुर में जहां आज जिले में नवमी हवन के बाद से 10वीं दिन से रावण दहन के साथ दशहरा मेला का प्रारंभ शुरू हो जाता है, 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो जाती थी। इसी दिन 9 दिनों तक माँ नव दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा किया जा रहा था। आज पंडाल व गुफा में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। बताते चले कि सुल्तानपुर की इस ऐतिहासिक दुर्गा पूजा इस बार 2 साल बाद कोरोना के कहर से उबरने के बाद यहां के लोगों को मौका मिला है कि वो इस बार फिर से सुल्तानपुर के लोगों को भव्य आयोजन करने का मौका मिला है। इसीलिए आस्था का जन सैलाब एक बार फिर सुल्तानपुर में देखने को मिलेगी, जहां देश में जितनी बड़ी मंदिर हैं, उनका प्रतीकात्मक स्वरूप में पंडाल बनाकर स्थापित किया जा रहा है। चाहे तिरुपति बालाजी हो, काशी हो या अयोध्या हो, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सभी के आकार के प्रतीकात्मक स्वरूप में यहां पंडाल बनकर तैयार हो गए हैं। बंगाली प्रसाद सोनी और प्रेमचंद साहू जी के द्वारा एक काली माता की पूजा की स्थापना की गई। उसके बाद जो है शहर में तमाम प्रतिमाएं लगती गई, कारवां बढ़ता गया, माता जी का विस्तार होता चला गया। यहाँ पे जो पंडाल बनते हैं वो पूरे भारत के जो विभिन्न मंदिरें हैं, जैसे केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ हो गए, वैष्णो माता हो गई, ऐसे तमाम मंदिरों का स्वरूप यहाँ दिया जाता है, जो पूरे प्रदेश में बहुत विख्यात है और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ मेला घूमने आते हैं। 1973 में पहली बार इस प्रतिमा का अवलोकन हुआ था, जो कि हर साल इसी स्थान पर दशहरे के दिन से मेले का आयोजन कराया जाता है। और अपना इस बार पंडाल जो बना है वो लमसम 80 से 90 फीट की हाइट पर है। गायत्री माता पूजा समिति के साथ साथ अम्बे माता पूजा समिति का भी इस बार स्वर्ण जयंती वर्ष है और आशा है कि इस बार का मेला हर वर्षों से काफ़ी ऊंचा होगा, काफ़ी भीड़ आएगी और सफल मेला होगा। तो वही इस बार बहुत ही विशाल रूप से दुर्गा पूजा दशहरा मनाया जाएगा, क्योंकि 4 से 5 समितियों की मूर्ति स्थापना का 50वां वर्ष पूरा हो रहा है। इसीलिए इस बार दुर्गा पूजा दशहरा और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि कोलकाता के बाद सुल्तानपुर में ही दुर्गा पूजा भव्य रूप से मनाया जाता है और सुल्तानपुर के दुर्गा पूजा दशहरा दूसरा स्थान पर माना जाता है। खास बात यह है कि जहां नवरात्र के दशमी के दिन देश में मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है, तो वही इस दिन से यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और ये पूर्णिमा तक मनाया जाता है। सुल्तानपुर जिले में हर चौराहे, हर पंडाल पर लगभग प्रसाद व लंगर का वितरण किया जाता है। मूर्तियों का यहाँ कोई आकार नहीं होता है, स्वयं इच्छा से लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मूर्तियों की स्थापना करते हैं। ठेठरी बाजार माँ दुर्गा का पंडाल सबसे बड़ा बनाया जाता है। 63 वर्ष पूर्व 1959 में यहाँ पर पहली प्रतिमा स्थापित हुई थी, उसके बाद सना सना ये बढ़ती गई और जो आज इसमें एक विराट स्वरूप में माँ की भक्ति सुल्तानपुर में माँ के भक्तों के द्वारा की जाती है और सभी श्रद्धालु मेले में आए हुए माँ की का दर्शन पाकर लाभान्वित होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब समूचे देश भर में विसर्जन हो जाता है तो सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा अपने भव्य रूप में होती है, जहां देश विदेश के लोग यहां दुर्गा पूजा दशहरा को देखने आते हैं। फिलहाल हमारी खास प्रस्तुति में बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।